नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ये टॉपिक 2 कवर करेंगे और इसके बाद मुस्लिम लीग और होम रूल आंदोलन, ये टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में आपके टोटल 4 टॉपिक कवर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से। अच्छा, ये सारी चीजें जो हम यहाँ देख रहे हैं ना, जैसे बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, टॉपिक वाइज में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला वीडियो कराया था ना, उसमें सारी चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी टॉपिक वाइज में। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, जो चीज नहीं मिले उसको याद करना है, और टॉपिक वाइज नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? होम रूल, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी को बताएं कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में, और उसमें ही तुरंत बाद उसका परिणाम देखने को मिला कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जो कि आपका विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, नौकरियां बहिष्कार, ये सारी चीजें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का जो विभाजन है, लॉर्ड कर्जन की आलोचनात्मक नीतियों में से जो है वो आता है। केवल बंगाल में इसका विरोध नहीं हुआ था, व्यापक रूप से पूरे भारत में इसका विरोध देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आंसर इसको रट के रखिए कि आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी ये थे। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के अंतर्गत पुणे में जो है वो हुई थी। इसका उद्देश्य यही था, नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, और इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश सेवा करने का वचन जो है वो लेते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व के द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? क्वेश्चन बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में आया। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर आपका बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चरण था 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। ये जो चरण था इसमें अतिवादी भारतीय नेतृत्व के द्वारा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में शुरू हुआ था, इसी को समझा और संगठित किया गया था, यही चीज पूछी गई है। अगला है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो नए नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, बंगाल विभाजन, मुजफ्फरपुर बम घटना, चंपारण आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन? तो आंसर यहाँ पर आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा, 1905 में हुआ था, और इसी के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गीत था वंदे मातरम, इसको लोगों ने पूरे देश में एकता और बंधुत्व का मंत्र बना दिया था। हड़ताल वगैरह होती थी तो सब यही यूज किया जाता था। संविधान के द्वारा इस गीत को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और जस्ट 2 दिन पहले आपका 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? बताइए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्रपाल, चितरंजन दास? आंसर आपका यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा कहा गया था। इन्होंने कहा था कि जो विभाजन हुआ है वो हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 जुलाई में और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था, तो इसी तारीख को 16 अक्टूबर की तारीख को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अच्छा, यहाँ जो शोक दिवस वाला है ना, ये बीपीएससी के प्राइमरी लेवल पर पेपर में पूछा जा चुका है, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान को रखिएगा बात को। अगला देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी जो कमी थी वो यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया था? सवर्ण हिंदू, मुस्लिम समूह, शिक्षित भारतीय कलाकार और लेखक? आंसर आपका जो होगा वो होगा मुस्लिम समूह। इन्हों के जो नेतृत्व है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिला था। बहुआयामी कार्यक्रम और गतिविधियों वाला जो स्वदेशी आंदोलन था, इसमें जमींदार वगैरह भी देखने को मिले थे, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, पहली बार औरतें घर से बाहर निकली थी, और इस आंदोलन में किसान वर्ग विशेष का जो निचले तबके के थे वो आपके शामिल नहीं हुए थे, और अपवाद स्वरूप में बारिसाल इसका अपवाद माना जाता है, वो किसान से संबंधित है। मुसलमानों की बात करें तो इनको लेकर के कुछ तबके ही जो है मुसलमानों को अपने साथ लेकर के चले थे, जबकि बहुसंख्यक मुसलमानों ने यहाँ पर साथ नहीं दिया था। तो इसमें किसान वर्ग निचले तबके के वो भी शामिल नहीं थे, और मुसलमान बहुसंख्यक वर्ग वाले वो भी इसमें शामिल जो है वो नहीं थे।
एक लास्ट में पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो वर्ग था इसका समर्थन ना प्राप्त करना ही स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी के रूप में भी देखा जाता है। स्रोत लिखा है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र, पेज नंबर 108 से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वदेश बांधव समिति इसका संस्थापक इनमें से कौन था? अश्वनी, पीवी दास, प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर। आंसर आपका अश्वनी कुमार दत्त जो है वो सही होगा। बंगाल विभाजन की घटना के दौरान बंगाल में अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति इसकी स्थापना जो है वो की थी, और स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन जो है वो किया गया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आपको बता चुके हैं, इसके जो जस्ट आप कहेंगे अपोजिट या इसके विरुद्ध जो आंदोलन था वो। बंगाल के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पृथ्वी चंद्र राय ने बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को लेकर के आलोचनाएं भी जो है वो की थी। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। स्वदेशी आंदोलन इसके जस्ट बाद में स्टार्ट हो गया था। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है वो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। ये पॉइंट अच्छा है, इसको याद रखिएगा कि कहाँ से ये आपका स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है वो आया था। अगला प्रश्न है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, कहाँ की गई थी? आंसर आपका हो जाएगा बिहार के अंतर्गत जो है ये की गई। गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, बिहार के देवघर में, जो कि अब झारखंड के अंतर्गत आपका आता है। 1904 में की गई थी। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इनमें से कौन एहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यही सेम क्वेश्चन आपका पीआरटी में इस बार वाले में आया था, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 वाला पेपर रद्द हो गया है। पहला ऑप्शन है हसन इमाम, दूसरा ऑप्शन है मौलाना जफर अली खान, तीसरा मजहरुल हक और चौथा हकीम अजमल खान। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन आपका पीछे भी आ चुका है, हमने कोई टॉपिक कराया था वहां पर भी ये आया था, वहां पर भी हमने आपको दिखाया था कि ये पीआरटी में पूछा गया था। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमान एरार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1910 ईस्वी में हुई थी, और इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मौलाना जफर अली खान और मजहरुल हक जो है यहाँ पर थे। प्रश्न में नहीं थे पूछा गया था, तो इसमें आप कहेंगे लगभग सभी थे, इसीलिए आंसर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक वाला दिया गया। अगला 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? आंसर की बात करते हैं तो वीडी सावरकर आपका सही हो जाएगा। ये वाला शायद क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था। विनायक दामोदर सावरकर के 1904 में स्थापित था मित्र मेला, वही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में आपकी बाद में परिवर्तित हो गई थी। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित थी। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन जो था वो गुप्त रूप से आपको देखने को मिलता था, और इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन जो था उसी के अंतर्गत अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस जो है वो भेजा था। अगला क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस कमेटी, इसके पहले अध्यक्ष इनमें से जो है वो कौन थे? हसन इमाम, मजहरुल हक, अब्दुल बारी, सरफराज हुसैन खां। आंसर आपका यहाँ पर हसन इमाम सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो स्थापना हुई थी 1909 में सोनपुर में, और पहले संस्थापक हसन इमाम। 1918 में इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के विशेष सत्र का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था। तो पूछा गया है कब हुआ था? 1908, 10, 11, 12। तो आपको पता है बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो गया था, तो इसी में ही ये दोबारा वापस से एक हो गए थे। तो पहले भाग में पूर्वी बंगाल में असम थे, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम वाला जो क्वेश्चन है यही आपके इस बार पीआरटी में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो पेपर रद्द हो गया है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन थे, नाम पूछा गया था। क्वेश्चन वगैरह टॉपिक वाइज वाले वीडियो में सारे आपको दिखाए थे, तो इन्हीं का नाम पूछा गया था, जॉर्ज पंचम। तो दरबार में, दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था, और बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हो गया था। यही चीज मैंने कही ना कि किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आपको ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना वो एक एक पॉइंट रटना पड़ेगा। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड कैनिंग, जनरल डायर, वेलिजली या लॉर्ड कर्जन? आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो यही आपका हो जाएगा। 1899 से 1905 तक ये रहा था वायसराय लॉर्ड कर्जन। 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। कर्जन को भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, आपसे पूछा गया कब? 1907 का सूरत अधिवेशन था आपका, जिसमें आपका नरम दल और गरम दल में बट गया था और उदारवादी दल के डॉक्टर राज बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, जहां पर ये जो है आपस में मिल गए थे, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी, 1916 वाला जो लखनऊ अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पर तारीख दी गई है, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को दो प्रांत, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सहित पूर्वी बंगाल, असम सहित के रूप में की थी। क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, घोषणा एक प्रभावी कब हुआ था, तो दोनों तारीखें दी गई हैं। ऊपर स्टार इसलिए लगा है क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा एकीकृत कब हुआ? तो 1911 में हुआ, ये ऊपर बता चुके हैं आपको दिल्ली दरबार में। अगला है आपका, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार? ऑप्शन मिलते जुलते हैं, आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, स्वशासन सुनिश्चित करना, सेल्फ रूल की बात यहाँ पर की गई थी। स्वराज प्रस्ताव जो वर्ष 1905 में पारित हुआ था, उसी में उद्देश्य प्रमुख इसका यही था, स्वशासन सुनिश्चित करना। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन जो है वो किया था। बाकी 1906 में कलकत्ता में हुआ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी, जिसमें पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आपको कराया भी था टॉपिक वाइज वाले में। अगला है, बंग बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग बंग मतलब बंगाल विभाजन को ही कहा जाता है, तो इसके बाद जस्ट स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला, और बाद में बनारस ये भी लिखा है, इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उसी में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, ये बनारस अधिवेशन में अनुमोदन हुआ था। अगला है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन आपका चंपारण सत्याग्रह के टाइम में, बंगाल विभाजन, रोलेट एक्ट, आंसर आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध हो जाएगा। आपको क्वेश्चन एक जैसे इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि टॉपिक ही है हमारा बंगाल विभाजन, इसलिए। और बाकी इसमें जो कलकत्ता में टाउन हॉल है, उसमें ही स्वदेशी आंदोलन को लेकर के जन्म हुआ था, ये जगह याद रख सकते हैं। इसी में बहिष्कार प्रस्ताव आपका जो है वो पारित हुआ था, जो दिन था शोक दिवस के रूप में, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाए जाने को लेकर के कहा गया था। इसी दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जो जनसभा है उसको भी संबोधित किया था, जो कि शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भागों में फैल गया था। पुणे और बंबई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा के आधार पर आप कहेंगे 19 जुलाई 1905 आपका यहाँ पर सही होगा। बाकी इसमें कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं है, ये लास्ट में पॉइंट लिखा गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन जो था, इसने बंगाल विभाजन का जो कारण बताया था वो बताया था प्रशासनिक असुविधा, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं था बल्कि राजनीतिक था। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में कब हुआ था? 5, 7, 9 या 10? तो आप कहेंगे 1907 में आपका ये हुआ था, इसमें कांग्रेस विभाजित हो गई थी और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों में अध्यक्ष पद के लिए मतभेद था। उदारवादी दल के नेता राजबिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, राजबिहारी घोष ने, और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए थे आपस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे? महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी? पहला दूसरा तीसरा अप्रभावित लिखा हुआ है, या फिर दूसरा तीसरा, या पहला और दूसरा। तो मुसलमान मैंने आपको ऊपर बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग तीसरा भी हो जाएगा और तीसरे के साथ आपका दूसरा भी हो जाएगा, कृषक। तो कृषक और मुसलमान सेकेंड और थर्ड, ये आपका यहाँ पर सही होगा।
और ये चीज बताई भी थी कि धरने और प्रदर्शन में किसान, विशेषकर निचले तबके के किसानों के आंदोलन को लेकर तैयारी करने की बात है, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। इस कारण से असफल के तौर पर भी देखने को मिला था, और बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर जो खेतीहर मुसलमान थे, उनका साथ भी यहाँ देखने को नहीं मिला था। अगला है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आपकी कब बदली गई थी? तो 1912 में आपका बदली गई थी घोषणा, इसको लेकर के जॉर्ज पंचम ने, जो 1911 का दिल्ली दरबार था उसमें जो है वो की थी, जिसमें दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है उसको भारत की राजधानी बनाया गया था। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा अगला टॉपिक, जो कि है मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और टॉपिक वाइज वीडियो हम लगातार करा रहे हैं, इससे पहले के नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है वो देख सकते हैं। और इस वीडियो के लिए लाइक का जो टारगेट है पीडीएफ के लिए, वो 400 लाइक का रख रहे हैं, और जैसे ही कंप्लीट होंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, और इससे पहले के पीडीएफ भेज भी चुके हैं वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्रश्न आपका सबसे पहला है, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक जो है वो नहीं थे? ऑप्शन है जिसमें एम ए जिन्ना, आगा खान, नवाब सलीमुल्ला, नवाब मोहसिन उल मुल्क, तो कौन नहीं थे? आंसर की बात करते हैं तो एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, क्योंकि आपको याद होगा मैंने टॉपिक वाइज में बताया था कि एम ए जिन्ना जो है वो बाद में जुड़े थे। कब जुड़े थे यहाँ सन नहीं लिखा है, वो 1913 में जुड़े थे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका के नवाब सलीमुल्ला, बकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, इनके द्वारा 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इसकी स्थापना के पश्चात बाद में जुड़े थे, और 1940 में इसके लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी इनके द्वारा की गई थी। अगला है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्रों के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान, एम ए जिल्ला नहीं जिन्ना होगा, कौन सा सही होगा? आंसर आपका सर सैयद अहमद खान जो है वो सही होगा। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग जो है वो की थी, और मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, परंतु सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1888 में मेरठ में एक संबोधन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के लिए दो अलग अलग राष्ट्रों की बात की थी। तो जो सबसे पहले बात की थी ना वो कही थी सर सैयद अहमद खान ने, बाकी तो फिर विभाजन वगैरह देखने को आपको मिला ही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन था उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दो थे, 33 थे, 30 थे, 41 थे, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। टोटल 33 मुस्लिम जो थे उनके द्वारा भाग लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 1885 को 28 दिसंबर की तारीख को बॉम्बे के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। संस्थापक जो थे इसके वो महासचिव ए ओ ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद बनर्जी को अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था उसकी अगर बात करते हैं तो वो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी, और इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1916, 1919, 1924, 1925। तो अपना वार्षिक अधिवेशन जो है वो 1925 से स्टार्ट किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ढाका में हुई थी आगा खान सलीमुल्ला खान के नेतृत्व में। पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था इसका, और मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से स्टार्ट हो गया था वो 1925 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था। बीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया है री एग्जाम में। अगला, इनमें से किसका योगदान है होम रूल लीग की स्थापना में जो है वो नहीं था? होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर या अल्कार्ट, कौन इसमें से नहीं थे? तो अल्कार्ट जी जो देख रहे हैं ये आपके इसमें नहीं थे। एनी बेसेंट ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव किया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी, पर टी एस अल्कार्ट जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सही नहीं है, इनके द्वारा जो है वो आपका इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना को लेकर के बात की जाती है। यहाँ पर मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्कार्ट करके दो नाम आपको देखने को मिलते हैं ना, बाद में फिर चेन्नई अड्डे यार में खुल गया था थियोसोफिकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गांधी जी के हाथ में आ गया था। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया था, या इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। आंसर पहला हो जाएगा कि इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी थी।
होम रूल आंदोलन इसका उद्देश्य यही आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक और आपके श्रीमती एनी बेसेंट। तिलक जी ने स्वशासन प्राप्ति के लिए 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार यहाँ तक देखने को मिलता है। और तिलक जी ने 1917 में नासिक में लीग की वर्षगांठ भी मनाई थी। भारत आकर एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का 2 जनवरी 1914 ईस्वी से दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रकाशन जो है वो किया था। तो जो कॉमनवील है वो साप्ताहिक पत्र है और जो न्यू इंडिया है वो दैनिक पत्र है, और ये दोनों एनी बेसेंट के हैं। इसकी भी तारीख याद रख सकते हैं, इसमें प्रकाशन किया था। इसमें से न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा था। इन पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने भारतीयों में स्वतंत्रता राजनीतिक भावना को जागृत किया था। इन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो की थी, और जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव जो है वो बनाया था। अड्यार मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, कब किया गया था? तो ये प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन था, अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 22 मार्च 1940 की तारीख थी जिसमें भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान को लेकर के मांग यहां पर की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो अपनी मांग पर अटल रहे। और जब तक पाकिस्तान के निर्माण की मांग को पूरी तरीके से स्वीकार कर नहीं लिया जाता, पाकिस्तान का विचार को लेकर के अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल जो शब्द था वो किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो आंसर यहाँ पर ए वाला जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आप कहेंगे कि ये मूलतः जो होम रूल लीग की स्थापना की योजना थी मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी। तिलक जी और एनी बेसेंट इन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की थी, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने जो है वो आपका आया था। आंसर क्या होगा? आयरलैंड होगा। बाकी आपको पता है 1916 में स्थापना की थी। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, पावेल प्राइस या वैलेंटाइन चिरोल? चिरोल नाम है, शिरोल नाम है। तो लंदन टाइम्स के संवाददाता और इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई, रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं, आपको नहीं देखा हो देख लीजिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये किसके द्वारा कथन दिया गया था? तो आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक आपका सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया ये 19, 13, 11, 3, 4, 97, 98। तो बाल गंगाधर तिलक अपने पहले भारतीय तिलक पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तिलक जी ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा, स्वराज का समर्थन किया था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला, इनमें से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो की थी? तो नवाब सलीमुल्ला खां, इनके द्वारा की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला था। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया था कि प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निर्वाचन के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए किया जाए। मिंटो ने इनकी मांगों का पूरी तरीके से समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 नवंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो की। तो यही मेन मांग जो थी ना उसी का समर्थन को लेकर के देखने को मिला था। तो वही पूछा गया था कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगला, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व इनमें से कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई या मौलाना अबुल कलाम आजाद? आंसर यहाँ पर ए वाला सही होगा। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रोत्साहन और होम रूल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजों ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। तिलक की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो की थी, और तिलक जो थे उनके द्वारा गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव भी शुरू किया गया था।
साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 1905, 13, 30, 46। आंसर आपका 1913 जो है वो सही होगा। स्वशासन के उद्देश्य को 1913 में स्वीकार किया गया था। बाकी तो इसमें बता चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के भी समाप्त हुए। दो क्वेश्चन और हैं जो कि इसी टॉपिक से बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर में पूछे गए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये हम आपको करा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस जो है उसके रूप में मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939, 27 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, कौन सा सही होगा? आंसर 22 दिसंबर 1939 सही होगा। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनके नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में भी घोषित किया था। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पेपर थर्ड यानी कि 6 से 8 के लेवल पर पूछा गया था, फेज 1 में पूछा गया होगा क्योंकि 2023 लिखा है। अब एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी के प्राइमरी लेवल पर पूछा गया है, फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? पूना, बंबई, नागपुर, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, और वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखो तो ये टॉपिक समाप्त हुआ। आगे और भी टॉपिक आएंगे इसी आधुनिक भारतीय समाज में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं, इसलिए हम लगातार आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाकी याद आप टाइम टाइम पर करते रहिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।